गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग अनबॉक्सिंग। तो आज की वीडियो में फिर से मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक व्लॉग वीडियो की अनबॉक्सिंग। तो फिर देखते रहिए मेरे वीडियो को और पूरा एंड तक देखिए। अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पर मैं धुले हुए बर्तन को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जिसकी जहाँ जगह है वहाँ पे उसे रख रही हूँ। बर्तन धोना तो थोड़ी देर के लिए आसान होता है, पर बर्तनों को जगह जगह ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें, है ना। तो मैं आज आ रही हूँ हरी मटर की निमोना वाली सब्जी बनाने। पता नहीं निमोना बोलते हैं कि नमूना बोलते हैं, मुझे नहीं पता। हालांकि वही सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। तो मैंने मटर कैसे पीस लिया है, इसमें कुछ खड़े मटर अब डाल दूंगी अलग से, मतलब पीसे हुए नहीं, जो पीसे नहीं होंगे वो थोड़े से वो मटर डाल दूंगी इसमें और बनाऊंगी हरी मटर की निमोने वाली सब्जी। तो खाओगे आप सभी भी, आ जाओ टेस्ट कर लो। तो मैं मटर छुड़ा रही थी निमोना बनाने के लिए, मटर हरी मटर की निमोना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। लेकिन मुझे मटर छुड़ाना इतना बोरिंग लगता है ना, मैं क्या बताऊँ। और बच्चों का टाइम चल रहा है, वो बिजी है, नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना कि जो भी मटर आए रहते हैं सारे मटर उठा करके पतिदेव को बच्चों को लगा देती हूँ काम पर। पतिदेव बच्चे मिलकर मटर छुड़ा देते हैं, मम्मी ये भी छुड़ाती है उसी में, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे ना छुड़ाएं, क्योंकि मम्मी पता क्या करती हैं, वो मतलब बुजुर्ग हो गई हैं तो आजकल प्रॉब्लम है। तो क्या करती हैं कि उसमें कीड़े मकोड़े सब छिलके रख देती हैं। तो फिर मुझे क्या करना होता है, उसमें कीड़े मकोड़े निकालने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे पैसे में नहीं रहती है, उसको देखना पड़ता है अच्छे से। वैसे तो मैं मटर छुड़ाने के बाद धो के रख देती हूँ, जब धो देती वैसे मटर छूट जाता, जब मटर छुड़ा लिया जाता है, जब मटर छुड़ा लिया जाता है तो मैं उसे धो करके और रख देती हूँ। जब पानी से निकल जाता है तो प्लास्टिक में करके उसे प्लास्टिक को खुला छोड़ के फ्रीज में रख देती हूँ। तो आज मटर छुड़ा हुआ नहीं था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है मटर छुड़ाने से। असली नहीं क्या करूँ, बच्चों का एग्जाम चल रहा है समय, तो बच्चों को मटर छुड़ाने के लिए कह नहीं सकती, क्योंकि फालतू में समय लग जाएगा, बच्चों को टाइम स्कूल जाएगा ना, एक तो बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसा बच्चे स्कूल चल जाता है ना, बहुत लगता है पूरी दोपहर। तो बच्चा आ जाते तो फिर से साइकिल लग जाती है घर में, वो तो वीडियो देख रहे हो, है ना। तो वही है, तो चलो मैं जल्दी खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मैं आज कपड़े भी धोने थे, मुझे पोछा लगाना है, झाड़ू लगाने के, भगवान जी के सारे काम है, सारे काम निपटाने हैं, तो सभी करते हैं आई नो। तो गए कोर्ट, चलो मम्मी जी से बोल दो खाना खा लें। अरे मम्मी जी तो उसमें ही है, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी उठिए। और मम्मी जी को खाना खिलाने के बाद और खुद भी खाने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई, साफ सफाई में। तो पूरा दोपहर तो मेरा ऐसे में चला जाता है, साफ़ सफाई जब तक करो, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं फिर उन्हें खाना पीना दो, पूरा दोपहर तो ऐसे बीत जाता है। उससे फ्री हो तो शाम को पतिदेव आ जाते हैं, फिर उनको चाय नाश्ता दो, तो पूरा दिन का शेड्यूल यही रहता है। पर फ्लैग पड़ गया है, सुनियो मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी मेरे दोस्त। और यहाँ मैं सुपर वुमेन की तरह सारे काम एक एक करके निपटा लूँगी, कपड़े फोल्ड करूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, सारे बर्तन धुलूंगी और काम वाली बाई की तरह जल्दी ही पोछा भी लगाऊंगी। तो हम हाउस वाइफ का कई सारे रोल होते हैं, कभी काम वाली बाई, कभी हाउस वाइफ, कभी मम्मा। अरे क्यों बैल बजा रहे हो, बार बार बैल क्यों बजा रहे हो? आ गए चलो चलो, मतलब वो कहाँ गई? पॉम पॉम प्यारे वो देख
पंपा पैरों को देख रहे थे तुम। तुमने कल रात में क्या किया बताओ सबको। कहाँ बताओगे, मैं भी आ रही हूँ पीछे पीछे सुनने के लिए। मैं तो सब जानती हूँ वैसे भी। मैंने भी सुन लिया। हाँ सही में मैंने वीडियो शूट करके रखा है जब ये पॉकेट से निकाल रही थी। इस लड़की ने मेरा नाक कटा दिया सोचे पम्पम के चक्कर में। अब रात हमने खाना नहीं बनाया तो पम्पम के लिए वहां से पूरी चुरा के लिया है। नन्हा है पॉकेट में रख के मैंने वीडियो शूट किया। अभी आप मेरे डालना मत। डालूंगी मैं तो डालूंगी मैं तो डाली। कुछ वैसे नहीं होगी। चलो नहीं होगी होगी नहीं होगी। बेबी सिटिंग करने के चक्कर में क्या क्या करती है पापा की बेबी सिटर। अरे कोई बात नहीं, सब लोग ये खुश होंगे कि देखो अपने पेट को कितना मानती है। उसके उसके लिए चोरी करके ले आई पूरी। चोर नहीं, कोई चोर नहीं कहेगा। अच्छा मैं एक बार बोल देता हूँ, अच्छा आप लोग चोर नहीं कहोगे ना मेरे बाबू को, घुसेंगे तुम्हारे वीडियो देख के। तो ना बोलो बोलो जमीन पे बैठे सुन रहे हो। तो सर पूछने क्या रहे फिर अल्लाह से क्या लगे तो मटर ला बना के खुद नहीं कहते हैं ना। लाए हो ना ये सब बताओ जल्दी। देखो कैमरे में घुस घुस के बात कर रहे हैं। दो तीन मेरा अभी पीछे बच्चे बैठे की कहाँ ये तुमको टाटोगी दिख रही है कि रोग नहीं है। तुम्हें क्या हुआ बेटा, मैंने डांट टपट के तुम्हें बिठाया तो नहीं है नीचे। मुझे बहुत बुरा लगा। किस बात के लिए? बदनाम किया मेरे हाथ से एग्जाम, मेरा संस्कृत अच्छा नहीं किया था, लेकिन कम मार्क्स का तो कोई बात नहीं, लेकिन जी के अच्छा रहते जी के ही बेकार। बर्थडे में मस्ती कर रहे थे सेलिब्रेट कर रहे थे तो क्या होगा। अरे देखो गाइस गाइस कर रहे हैं, जरा देखें क्या बोल रहे हैं। गाइस दी एकदम बोडू है। मारेगी दीदी तुमको। तुमको पता होना चाहिए कि दोनों दीदी तुम्हारे क्लास के टॉपर हैं और रैंक होल्डर हैं। फर्स्ट रैंक आता है क्लास में। अपना जरा बता दो क्या हाल चाल है तुम्हारा। पम्पम तुम खुद पम्पम बन जाओगे एक दिन। मैं डॉगी नहीं बनूंगी, वो डॉगी है। इतनी फिक्र करोगे पम्पम के तो एक दिन तुम भी इसके तरह बिहेव करने लगोगे। अब आपको दिखाती हूँ पीनू ने अपने पेट के लिए क्या किया पम्पम के लिए। ये वीडियो भी दिखाती हूँ आपको। क्या कर रहे हो पीनू? दिखा दिखा पकड़ के दिखाओ क्या। हाँ ये पूरी चुरा के लाई है पम्पम को खिलाने के लिए। चलो चोर दे दो पम्पम को। पम्पम पम्पम का भाई भी सोया उसके साथ। जल्दी दे दो जल्दी।